नमस्कार, स्वागत आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। बुलेटिन का आगाज एक अहम खबर के साथ कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीन की तैयारी जोरों पर है और वैक्सीन की सप्लाई जारी है। दिल्ली समेत 13 जगह भेजी गई है कोरोना वैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट से भेजी गई कोविशील्ड की पहली खेप और 8 फ्लाइट के जरिए वैक्सीन की सप्लाई की गई है। 16 जनवरी से शुरू होगा वैक्सीन का टीकाकरण। गुरुग्राम से पीएम मोदी अभियान की करेंगे शुरुआत। तो ये अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियां जोरों पर है। सभी राज्य मुख्य तौर पर तैयार है। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वैक्सीन के भंडारण की तैयारी पूरी कर ली गई है। उससे पहले पूरा एक ड्राई रन हुआ प्रशिक्षण के तौर पर, जो कि सफल हुआ। और उसके बाद 16 जनवरी वो तारीख तय की गई जब देश में सभी को वैक्सीन मिलने का इंतजार खत्म हो जाएगा। तो गुरुग्राम से पीएम मोदी इस अभियान की शुरुआत करेंगे और इसलिए भी हरियाणा के लिए यह दिन काफी ज्यादा खास। तो पुणे से आज वैक्सीन की पहली खेप निकली है और 8 फ्लाइट के जरिए ये खेप पहुंचाई गई है। सीरम इंस्टीट्यूट से भेजी गई है पहली खेप और इसलिए आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। इस घड़ी का सभी को पिछले काफी लंबे समय से इंतजार और अब 8 फ्लाइट के जरिए जब वैक्सीन की सप्लाई की गई है तो कहीं ना कहीं एक राहत की सांस हर एक देशवासी ले रहा होगा। दिल्ली समेत 13 जगह कोरोना वैक्सीन भेजी गई है। पहले कोरोना वॉरियर्स को ये वैक्सीन दी जाएगी और उसके बाद उम्रदराज व्यक्तियों को या गंभीर बीमारी से जूझ रहे व्यक्तियों को और उसके बाद आम जनता को ये वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। तो 16 जनवरी से वैक्सीन का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। गुरुग्राम से पीएम मोदी इस अभियान की शुरुआत करेंगे और इसलिए काफी ज्यादा खास 16 जनवरी की वो तारीख। और आज भी बहुत महत्वपूर्ण दिन क्योंकि आज पहली खेप निकली है सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड, जिसे इजाजत मिल गई है और आज शुभारंभ हो गया है एक तरह से। पुणे से निकली है ये वैक्सीन। तो पहली खेप पुणे से निकल चुकी है और कोरोना महामारी को सभी ने झेला है और इसके बाद वैक्सीन का सभी को पिछले काफी लंबे समय से इंतजार था और आखिरकार अब ये इंतजार लगभग लगभग पूरा होता नजर आ रहा है। और इसलिए भी काफी ज्यादा खास ये दिन कि आज पुणे से ये पहली खेप निकली है तैयार होके। 16 जनवरी से वैक्सीन का टीकाकरण शुरू हो जाएगा और उसके बाद तमाम प्रक्रियाओं के तहत ये जांचा जाएगा कि किस प्रकार के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। एक वेबसाइट बनाई गई है, सर्टिफिकेट भी वहां से मिलेगा। कोविन नाम की वेबसाइट है जहां पर सर्टिफिकेट मिलेगा वैक्सीन लेने वाले को और वहां पर ही पता चल पाएगा कि आखिरकार किस दिन किसको वैक्सीन दी जानी है। रजिस्ट्रेशन होगा बकायदा और उस रजिस्ट्रेशन की भी जानकारी आपको कोविन नाम की गवर्नमेंट ऐड पर मिलने वाला है। तो गुरुग्राम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। वैक्सीन की तैयारियां जोरों पर है। राज्य दर राज्य हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ तैयारियां हैं। बात अगर हरियाणा की करें तो हरियाणा में भी हमने आपको राज्य दर राज्य शहर भर तस्वीरें दिखाई हैं कि आखिरकार वहां क्या तैयारियां हैं, चाहे वो रेवाड़ी हो, रोहतक हो, कुरुक्षेत्र हो, गुरुग्राम हो। हमने सभी बड़े शहरों की तस्वीरें आप तक पहुंचाई कि किस प्रकार की तैयारियां हैं। यानी कि अगर आप वैक्सीन का टीका लगवाने जाते हैं तो आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वैक्सीन आ गई है इसका मतलब ये नहीं कि सावधानियां छोड़ देनी होंगी। सावधानियां अभी भी उसी तरह बरतनी होंगी। वैक्सीन आ गई है इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना रुक गया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो उसे क्योर किया जा सकता है। अब इस प्रकार की राहत की सांस तो जरूर हर एक देशवासी ले सकता है। तो आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट से ये पहली खेप निकली है।